नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। तो इस रेसिपी को चलते हैं। मैंने यहाँ पर पाव सर पनीर लिया हुआ है, उसको मैंने इस तरह से कट करके इसको मैंने तेल में इस तरह से फ्राई किया हुआ है। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद आप चाहो तो थोड़ा घी डाल सकते हो, नहीं तो फिर तेल से तो आप बना सकते हो। उसमें मैंने जीरा डाला है, एक तेज पत्ता, एक दो तीन इलायची, एक दालचीनी डाला हुआ है और लौंग डाला हुआ है। उसमें मैंने एक भर की कटोरी चॉप किया हुआ प्याज डाला हूँ। उसके बाद इस सब को अच्छे से हम चारा लेंगे। इसमें थोड़ा सा हींग डाला है, चार पांच मैंने लाल मिर्ची, खड़ी वाला मिर्ची डाला हुआ है। आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है और मैंने एक दो से तीन टमाटर चॉप पेस्ट बनाया है, वो मैंने डाला हुआ है। आप देख सकते हो इस तरह से सबको अच्छे से हम तेल में भाजेंगे। इसमें तेल छूटने तक, जब ये भान जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि भान के जब उसमें तेल छूटने लगता है तब इस तरह से भाजेंगे। आप देख सकते हो अच्छे से भाजने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच है। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर हल्दी एक चम्मच और फिर उसके बाद मैं लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी दो बड़े चम्मच और उसके बाद फिर मैं डालूँगी यहाँ पर शाही पनीर मसाला। ठीक तरह से देख सकते और सबको हम अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे सब। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह देखेंगे, फिर हम इसमें दही डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से हो जाने के बाद हम इसमें दही डालेंगे एक कटोरी भर के। दही ताज़ा, ज़्यादा खट्टा ही ना हो, ताज़ा हो, फ्रेश हो। तो हम इसमें डालेंगे एक कप दही। दही से टेस्ट अच्छा आता है शाही पनीर में तो। ठीक है, इस तरह से सबको मिला लेंगे हम। देख सकते हो कितना बढ़िया दिखेगा, देखने इसका कलर जब हो जाएगा तो ये मिक्स हो जाएगा। आप ही बनाइए अपने घर में, ट्राई कीजिए। इस तरह से बहुत अच्छा भी अच्छा लगता है इस तरह से टेस्ट। देखिए इस तरह से कहना सुना रहा है, ठीक है सुना रहा लाल, हाँ बहुत सुंदर दिखने में। तो मुँह में पानी आ रहा है। ठीक है, आप ही बनाइए ऐसे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए बने और फिर हम इसमें ग्रेवी के लिए, आप चाहते ग्रेवी बना सकते हैं बनाना तो इसमें आप डाल सकते। मैं इसमें थोड़ा ग्रेवी बनाऊंगी तो मैंने इसमें एक से डेढ़ ग्लास पानी डाला हुआ है, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने ज़्यादा पतला भी ज़्यादा गाढ़ा भी दोनों नहीं किया है, मीडियम रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको गाढ़ा भी रख सकते हो, पतला भी रख सकते हो। हमने मीडियम रखा हुआ है, देखो इसमें उबाल आने तक हम इसको चलाएंगे। इस तरह से चलाने के बाद देख कितना बढ़िया इसमें दिख रहा है। फिर हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, टेस्ट और बढ़िया आता है। कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डालने के बाद इसमें नमक डाला है, फिर इसमें पनीर को हम डाल देंगे एक एक करके। ठीक है, इस तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि मसाला जो है एक मिक्स हो जाए। उसको ढक के थोड़ी देर के लिए, दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे। नहीं को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, तो आप में थोड़ी देर के लिए रखिए, दो से तीन मिनट के लिए। ये हो गया, आप देख सकते हो इतना यमी दिख रहा है। मैं किस तरह खाएंगे तो आपको अच्छा लगे तो आप ही बनाइए। थैंक यू।